आज पितृ विसर्जन का दिन है, तो मैंने अपने मतलब पितर बाबा को, आजी बाबा को, सबको विदा करने के लिए थोड़ा ही पकवान बना पाई हूँ, पूरा नहीं बना पाई। तो जिसमें से खीर बनाया है और ये आलू टमाटर की सब्जी मेरी बन रही है, और मूली भी काट कर रखी है क्योंकि मूली की भी सब्जी बनानी है। बनाने के लिए तरोई की भी सब्जी होती, दही के आलू बनाने होते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें बना सकूं। तो क्योंकि आज लेट सोकर उठी तो इस वजह से मेरा आधा अधूरा खाना बना है। और ये मैंने दाल पीस के रखा है क्योंकि मुझे दाल की कचौड़ी बनानी है, उड़द की दाल की कचौड़ी बनानी है। दही बड़े नहीं बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, और इधर मेरी कचौड़ियाँ मैं तल रही हूँ। और मुझे अभी फटाफट लंच भी लगाना है, खाना भी निकालना है, क्योंकि पतिदेव मेरे बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, क्योंकि 9 बजे निकल जाते हैं बट आज 9:30 बज रहा है। तो अभी उनके लिए खाना निकाल रही हूँ। तो ये है हमारा खाना, जिसमें से पूड़ी भी है, कचौड़ी भी है, खीर भी, आलू टमाटर की सब्जी है और मूली गाइस की वेलकम सब्जी बैक टू माय है। चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं जस्ट अभी खाना बनाकर आ रही हूँ। कचौड़ियाँ रह गई थी सेकने के लिए, तो उन्हीं को मैं सेक रही थी। बैठ जाती हूँ। और यहाँ मैं बैठ कर आप लोगों से बात करती हूँ। तो आप लोगों को दिखाया मैंने खाने में, रेसिपी नहीं कोई शेयर कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं था कि मैं रेसिपी शेयर कर सकूं। बहुत मतलब अब पति देव को तो जल्दी जल्दी जाना था और खाना भी ज़्यादा बनाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ आइटम नहीं बनाया है, केवल आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। वैसे तो दही के आलू बनाने चाहिए थे, और भी सब्जियाँ बनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि अकेले करने वाली, लेट सोकर उठी तो इसलिए पूरा काम नहीं कर पाई। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, मूली की सब्ज़ी बनाई थी, और खीर बनाया है, और दाल की कचौड़ी और पूड़ी, बस इतना ही आइटम बनाया है। और पति देव को मैंने खाना निकाल दिया था, तो उन्होंने मतलब सबके लिए निकाल दिया था, गाय के लिए भी निकाल दिया था, कुत्ते के लिए भी निकाल दिया था, और कौवे के लिए भी निकाल दिया था, यानी सबके लिए निकाल दिया था। लेकिन मैं कचौड़ियाँ बना रही थी तो गाइस मैं सूट नहीं कर पाई। जल्दी जल्दी होता है ना, जब मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है तो सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है, तो फिर वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिलता है, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अब मैं बैठकर थोड़ा सा नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम करूँगी। एक तो आजकल वीडियो अपलोड में लगाओ तो 3-4 घंटे से कम तो होता है, मतलब 3-4 घंटे तो ले ही लेता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम मेरे मोबाइल में है, कि वाईफाई की तरफ से है, कि नेटवर्क डाटा की तरफ से है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना तो ले ही लेता है। तो 10 बज रहा है इस समय, तो चलिए गाइस लेट नहीं करते हैं, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, वरना और भी टाइम हो जाएगा, एकदम टाइम बढ़ता 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 टाइम बढ़ता चला जाएगा। और आज भी मैंने अपने बाबू को लंच में मैगी ही दिया है, क्योंकि हुआ क्या था रात में, मैं तो बताना ही भूल गई। ये हुआ था कि मैंने तो अलार्म लगाया था आज 5 बजे का, 5 बजे का लगाया था, मैंने सोचा था कि जल्दी उठ जाऊँगी तो जल्दी जल्दी यानी कि 8 बजे तक मेरा पूरा खाना बन जाएगा, तो अलार्म लगा दिया था। लेकिन बाबू मेरा इतना बदमाश है, उसने पता नहीं कब कैसे क्या किया कि उसने 6 बजे का लगाया होगा, 6 या 6:30 बजे का लगाया था, हाँ 6 बजे का लगाया था। तो फिर और दो मोबाइलों में लगा कर सोती हूँ, यानी कि अगर एक में ना उठ पाऊँ तो दूसरे में उठ जाऊँ, तो दूसरे वाले का क्या हुआ, मोबाइल ऑफ हो गया, यानी कि स्विच ऑफ हो गया, बैटरी उसकी लो होने के कारण स्विच ऑफ हो गया। यार मैं तो सो गई और सोने के बाद उठी 6:30 बजे, 6:30 बजे सो कर उठी, और फिर मैंने देखा बाप रे इतनी जल्दी जल्दी, फिर जल्दी जल्दी मैंने काम किया और फिर अब जाकर फ्री हो पाई हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है, टाइम होता चला जाएगा मेरा काम भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों से।
मेरा सारा काम धाम ख़त्म हो गया है और मैं नहा कर फिर से आ गई। ये देखिए अभी मॉर्निंग में मैंने मैक्सी पहनी थी, गाउन पहना था, गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन आज मौसम कुछ बन रहा है, गिर जाए तो अच्छी बात है, बट पता नहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो अभी तक मैं फ़िलहाल नहा कर आई हूँ, अब थोड़ी देर बैठूँगी क्योंकि अभी बज रहा है 1। तो आज मुझे मंदिर साफ करनी है क्योंकि कल से नवरात्रि चालू हो रहे हैं, बट मैं व्रत वगैरह नहीं करती हूँ, मैं पूजा भी नहीं करती हूँ। तो पतिदेव ही करते हैं, पूजा भी करते हैं और आगे पीछे जो होता है वो व्रत भी रखते हैं। और इसी नवरात्रि में हमारे यहाँ गाँव भी जाया जाता है, तो चलूँगी तो ले चलूँगी आप लोगों को अपने साथ, बट अभी तो यहीं हूँ, अभी तो यहीं का सारा काम है। तो चलिए एक सलीफा रखा है उसको खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। और बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम लैगी में वीडियो बनाएं, तो क्या करूं यार, लैगी में तो गर्मी लगती है, लेकिन आप लोगों ने कहा है तो आज मैंने लैगी पहन रखी, अभी दिखाती हूँ। तो भाई मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो रहा है, उससे मोबाइल बार बार गिर रहा है, 3-4 बार गिर चुका है। रुके ट्राई करती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ ट्राई किया लेकिन वो संभल नहीं रहा था, उसकी जो ऊपर की मुझे क्या लगता प्लास्टिक लगी होती शायद वो निकल गई है, इसलिए उसमें जब मैं ट्राइपॉड पे मोबाइल फंसा रही थी तो वो बार बार निकल निकल के गिर जा रहा था। तो इधर तो मैंने बिस्तर पर रखा हुआ है, अपना मोबाइल देख रहे हैं आप लोग, चद्दर साफ दिख रहा है। तो अब जा रही थी शलीफा खाने के लिए, तो ये शलीफा जब मैं लाई थी तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, मैंने इसको बाहर रखा था, मैंने सोचा ठंडा हो जाएगा तो बाबू कैसे खाएगा, फिर निकाल कर रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर रखा था। तो ये थोड़ा सा इसका छिलका जो है काला सा हो गया है, तो इसको मैं फोड़ के देख रही थी कि कहीं इसके अंदर कीड़े तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि इसमें कीड़े वीड़े पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, बट मेरे यहाँ तो शलीफे का पेड़ है, मेरे गाँव में शलीफे का पेड़ है, एक नहीं कई एक पेड़ थे, अगर गाँव जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो भांजी मेरी बता रही थी मामी पानी गिरने से अब की शलीफा पक ज़्यादा रहा है, और जैसे ही पक जा रहा वैसे ही उसमें कीड़े पड़ जा रहे हैं, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इसमें कीड़े पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, तो मैं उसको वही फोड़ कर देख रही थी कि कहीं कीड़े तो नहीं हैं, क्योंकि डाउट हो जाता है ना मन में जब कोई कुछ बता देता है तो डाउट हो जाता है। और यहाँ पर शाम टाइम है तो माली आए थे फूल दे गए थे, तो वही मैं लेने गई थी। और फिर इसके बाद इसको यहीं पर रख दूंगी, और मैं आप लोगों से बताऊं कि कल से नवरात्रे चालू हो रहे हैं, बट मैं तो पूजा वगैरह बहुत कम करती हूँ, पूजा वगैरह मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पूजा शायद भगवान जी को मंजूर ही नहीं, हम देखते हैं कि और लोग कितने अच्छे से कितने हंसी खुशी से पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनकी पूजा मंजूर करते हैं, बट मेरी पूजा नहीं मंजूर करते हैं, क्यों नहीं करते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी, तो ये बर्तन रखे हुए थे, शाम को मैंने धुले हुए थे, तो वो बर्तन मैं लगा रही थी, और अब जा रही थी सब्जी काटने के लिए, लेकिन मेरे प्यास लगी हुई थी तो पानी पिया, और फिर बाबू मेरे पता नहीं क्या मुझसे कुछ कहने लगे, तो मैं उसी काम में लग गई, फिर इसके बाद मैंने आगे की वीडियो शूट ही नहीं की।